दोस्तों बिग बॉस 13 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड में संडे का वार आप देखेंगे। वही दोस्तों, इससे पहले शनिवार को सलमान खान का वीकेंड का वार इतना जबरदस्त रहा कि लोगों के ड्रीम कम्स ट्रू हो गए। जी हाँ दोस्तों, आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती फिर से हमें देखने को मिल गई। आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती जब जब हुई है, दर्शकों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया है। फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने आसिम रियाज को जाकर गले लगा लिया। नतीजा सलमान खान ने भी आसिम रियाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने आसिम रियाज को कहा, एवरीवन प्राउड ऑफ यू आसिम, घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो खुद को रियल रखे हुए है, वो है आसिम रियाज। दोस्तों आसिम रियाज को सलमान खान से अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी उनसे हग करते हुए सारे गिले शिकवे दूर किए और उनकी दोस्ती वाकई में बहुत ही जबरदस्त अब दिखाई दे रही है। लेकिन इनकी दोस्ती से कहीं ना कहीं रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा को एक बार फिर से मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि इनकी दोस्ती फिर से घर के अंदर हो। ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि घर में अब क्या नया मोड़ आता है। सिद्धार्थ का बदला हुआ नेचर सभी को बेहद ही पसंद आ रहा है। अब सिद्धार्थ हंसने लगे हैं, लेकिन आसिम रियाज दोस्तों अब अलग ही मूड में नजर आते हैं। आसिम रियाज हीरो के भांति घर में फील किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आसिम रियाज इस साल बिग बॉस का सीजन जीत सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दें। आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ शुक्ला या आसिम रियाज कौन अब ज्यादा स्ट्रांग है? क्या सिद्धार्थ ने खुद को बदल कर ज्यादा स्ट्रांग किया है, या आसिम जो कि अब रियल हीरो बन चुके हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दें और दोस्तों सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।